पद्मपुर उपनिर्वाचन आज नामांकन भरबेनी बीजेपी प्रार्थी प्रदीप पुरोहित चाषी आंदोलन को दृष्टि रखी ए निष्पत्ति से नामांकन भरवाई विराट शोभा प्रदीप पुरोहित किंतु चाषी स्वार्थ को नजर रखी से निष्पत्ति लगातार भाव देखुले कि भाव में विराट शोभा बीजेपी पक्ष प्रदीप पुरोहित जाते प्रार्थीपत्र दाखल करने कि चाषी जो निष्पत्ति रही अनुरोध को रक्षा कर स्वार्थ को आगे रखी से भली निष्पत्ति कहते आज से नामांकन भरवे ना एक प्रदीप पुरोहित कहते चाषी आंदोलन को दृष्टि रखी सम्मान जनाई से एभली निष्पत्ति कहते देखो चाषी आंदोलन सह आम अच्छा चाषी को सब से आमको अनुरोध कले कहीं करी चाषी आंदोलन सह जेहेतु अच्छी चाषी आंदोलन को समर्थन करके आम समर्थन और सम्मान दे कि आज आम कलु ना परवर्ती समय आम निष्पत्ति नबु चाषी सहित आलोचना करेंपत्ति नबु जदि किए कर निहत बर्तमान ए खबर संपर्क में अधिक आलोचना आम पश्चिम ओडिशा ब्यूरो चीफ रही सुरेंद्र बारिक रही सुरेंद्र गोटे बड़ निष्पत्ति गोटे बड़ खबर पद्मपुर आसूँ जितेबले नामांकन विराट शोभा रही कि चाषी जो अनुरोध रक्षा कराला चाषी स्वार्थ को आगे रखी प्रदीप पुरोहित भाई निष्पत्ति कहते निश्चित भाव प्रदीप पुरोहित तो प्रतिक्रिया आसी सारी कि मुझे कहवा चाहे जेहेतु आम पद्मपुर उपजिलापाल कार्यालय परिसर अच्छी गोटे पटे चाषी मैंने आंदोलन करपटे जिला गठन दाबी करके वकिल मैंने आंदोलन करतमान जो वकिल मैंने आंदोलन कर धारणा स्तर में प्रदीप पुरोहित सहित तो आलोचना कर तो चाषी मैंने कौन अनुरोध करते बुढ़ासंबर कृषक संगठन एडभाइजर अच्छा रमेश महापात्र सीधासल कथ कह आज्ञा आप पूर्वर जो आंदोलन को लेकर आप सब राजनीतिक दल को अपील करते जो इनपुट सब्सिडी सहित फसल बीमा ता सहित अन्य जो चाषी समस्या अच्छी पर्टिकुलर जेहेतु वर्तमान मंडी खोल आप पूर्व आप डिमांड करते जेहेतु नवंबर एक तारीख खोल कथ पंद्रह दिन पाखापाखि मंडी खोलनी तो राजनीतिक दल को गोटे अपिल करते चाषी समस्या ना जाए किए भी नोमेसन करूना करेंगे ना आप इलेक्शन बयकट रही गोटे धमक देते आज आपण अनुरोध रक्षा कर आज तो प्रदीप फेरीगले तो प्रकृति में आप अनुरोध कौन करते राजनीतिक दल आम तेरह मस चौद मस है यल चाषी मान प्रसंग के नहींकर विभिन्न फोरम आलोचना करोलन कर एक तारिख रु आज चौदह दिन है आम धारण में बसलु गत काली सर्वदलीय मीट डाकिलु सबू दल लोक मैंने आई सबू दल राजनीतिक प्रतिनिधि मैंने आई कृषक संगठन तरफ आम मुड़िया मारिक अनुरोध करूँ य अंचल बृहत्तर स्वार्थ लगी आपण मैंने थोड़े नमनसन ना करूँ बोलिक आपण जरिया आम जानवर के पाऊ कुना पुरोहित जहाँ को आम प्रदीप पुरोहित बोलिक कहूँ भारतीय जनता पार्टी से नमनसन कर आई बजा बजा बाजूला शुणुलु लोक मैंने भी प्रोसेसन रहते नमनसन ना कर बोलिक तो तेणुक हे तो आम जेन का मुड़िया मारू य अंचल समस्या कथा कहलु तक हृदय के निश्चित भाव स्पर्श कर समाधान ना नमनसन ना कर बोलिक भावि से हे तो ना करेंगे कृषक नेता अच्छा शतपथी आज गोटे कथा कहतु गत काली बीजेडी बीजेपी एवं कांग्रेस उभय दलर नेता मैंने आप सहित आसिक आलोचना करते हाँ तो ये आंदोलन को सब राजनीतिक दल तो समर्थन करो गत काली जो आप आलोचना करते तार निर्यास कौन बाहरी और आज जेहेतु बीजेपी पूर्व घोषणा करते आज नोमेसन भरवा कथा कितु से अनुरोध रक्षा कर आज नोमेसन फाइल करना तो आप कौन कह देखु सर जे आम जो गत काली सर्वदलीय बैठक करूँ से आम जो प्रति दल आसिक आमको समर्थन जनकरे अन्न दल को जदि आप विश्वास को लेकर निर्वाचन प्रक्रिय से भाग न ने आम भाग नेबू ना तेणु आम समस्त राजनैतिक दल को गोटे फोरम बसईलु से आम एपिल करूँ जोटा मतामत से गले देखु सर आम कह व्यक्तिगत दलियों निष्पत्ति आम कह नुह कि अंचल जेहेतु समस्या अच्छी इन्सुरेन्स समस्या कारण इन्सुरेन्स राज्य केन्द्र को दोष दौर केन्द्र राज्य को दोष दौर कांग्रेस उभय को दोष दौर इनपुट सब्सिडी अच्छी इनपुट राज्य मेटर जलसेचन व्यवस्था अच्छी जिला समस्या अच्छी तो कृषक संगठन
ସଂଗଠନର ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଏବଂ ଯଦି ଦଳୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସେମାନେ ଯଦି କୃଷକ ସଂଗଠନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକରି ନୋମିନେସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇଟା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବିଚାର କରିବେ ଏବଂ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜିତ୍, କୃଷକ ସଂଗଠନ ପାଇଁ ଜିତ୍। କଥା କହନ୍ତୁ, ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଜିର ଆନ୍ଦୋଳନ ନୁହଁ, ଏଇଟା ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ କୃଷକ ସଂଗଠନମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଏଠି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା, ଖାସ କରି ଯେଉଁ ଖରିଫ ମାର୍କେଟିଂ ସିଜନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କହିବେ, ବିଗତ 2 ବର୍ଷର 5 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ଅଭାବ ଧାନ ବିକ୍ରି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି। ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ହେଲେ ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାଷୀ ସଂଗଠନମାନେ ସରକାର ନିକଟରେ ଦାବି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେହେତୁ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିନି, ଯେଉଁ ଅଭାବ ଧାନ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଏଇଟା ଯେଉଁ ରାଜନୀତିକ ଦଳମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି ଆପଣ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ସବୁବେଳେ ରାଜନୀତିକ ଦଳ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏବଂ ଆସ୍ଥା ଅଛି, ଏବଂ ଲୋକେ ଯଦି ଦାବି କରିବେ ସରକାରକୁ ଦାବି କରିବେ, ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ବମ୍ଫର ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବମ୍ଫର କ୍ରପ୍ ହୋଇଛି, ଏବଂ ରାଜବଳା ସମର କୃଷକ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଆମର ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ମଣ୍ଡି ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ପୁରେଇବୁ। ଏବଂ ସେଇଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରକାରର, ଯିଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ଯେ ଚାଷୀର ଦାବି ପାଇଁ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନେ ସରକାରର କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମକାନ୍ତ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପଦମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା ହୋଇକରି ଉଭା ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବରଗଡ଼ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ନୂଆପଡ଼ା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁଠି ସେ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା, ତ ଚାଷୀ ସଂଗଠନର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି। ନିହାତି, ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ରହିଥିଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ନେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।